हाँ, दो साल से एक मजलूम बाप तड़प रहा है, लाडली के लिए तरस रहा है, उस बेटी के लिए बदहवास है जो बंधक बनाई गई है। सिस्टम से गुहार लगाई, हर दहलीज का दरवाजा खटखटाया, मगर एक फरियादी की फरियाद अभी तक अनसुनी है। आप भी देखिए एक बंधक बेटी के लिए तड़पता बाप। एक फरियादी की फरियाद, सिस्टम से लगाई गुहार। बीत गए दो साल, हर दहलीज पर दी दस्तक, मगर अनसुनी है हर बात। एक बंधक बेटी के लिए तड़पता एक बाप। तस्वीर में दिख रही इस लड़की की पहचान हम उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लिहाजा हमने एक काल्पनिक नाम का सहारा लिया है, निशा, क्योंकि एक मजलूम पिता की इज्जत का सवाल है। निशा अपने पिता की लाडली है, लेकिन आज निशा की यादों में ये मजलूम पिता अपने होश गवा चुका है। इस बेबस पिता की दास्तान सुन किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, एक मां की ममता चीख उठेगी। जी हां, इस पिता से बेटी निशा को छीना गया है, दो सालों से बंधक बनाया गया है। निशा उन शैतानों की कैद में है जिससे ये लाचार पिता मिल भी नहीं सकता। लाडली का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, जबरन शादी करवा ली गई, निशा के साथ बलात्कार हो रहा है। ये अल्फाज हमारे नहीं बल्कि निशा के पिता के हैं। आप खुद ही सुनिए निशा की यादों में तड़पते इस लाचार पिता की दर्द भरी दास्तान। लड़की 1.5 साल से हमारी बोले बंधक बना के रखा हुआ, वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोले, हमसे कुछ नहीं कार्रवाई करी, पुलिस गई बोला खाली हाथ चली, और क्या कार्रवाई करेगी, क्या बताया? बाहर से ताला डाल के रखते, बाहर से ताला डाल के रखते, तो हाईकोर्ट के चला के उसका सीधा से रेप कर रहे हैं। ये दास्तान सुन क्या आपका कलेजा नहीं पसीजा? आखिर कैसी है यूपी पुलिस जो एक बाप की फरियाद नहीं सुन रही? आखिर पुलिस पर किसका दबाव है? मामला शाहजापुर की सदर बाजार कोतवाली इलाका सुभाष नगर का है। 2 साल पहले निशा अचानक लापता हो गई, घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन निशा का कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन एक दिन निशा ने किसी तरह से अपने पिता को अपनी इत्तला दी, बंधक बनाए जाने की बात कही। इस मजलूम पिता ने अपनी फरियाद कहां कहां नहीं लगाई, नेता से लेकर पुलिस के आला अफसरों के दरवाजे खटखटाए, मगर इस फरियादी की गुहार अनसुनी कर दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चेक किया गया था लड़की का, कोई वहाँ लड़की स्वतः घर में मिली और वहाँ पे महिला एसओ थाने को भेजा गया था, वहाँ से उससे बात भी करके आई, और ऐसा कुछ आरोप नहीं है। अब ये पहला 2 साल पहले का इनका मुकदमा है, 2 साल पहले कोर्ट में जो है जब हार गए, उसके बाद अभी एक मन में टीस रही होगी, उसी चक्कर में उन्होंने शिकायत की थी, और आगे अगर कोई इस तरह की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की। किसी तरह से मामला जब विधायक कृष्ण राज के पास गया तो एसपी ने संज्ञान लेते हुए सीओ सिटी को जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सीओ साहब ने मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाई, सब कुछ ठीक होने की बात कह डाली। फरियादी पिता अभी भी बेटी की आजादी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन सिस्टम है कि मूक दर्शक बना हुआ है। आशुतोष शर्मा, शाहजापुर, समाचार प्लस। महिलाएं तो बस दर्द झेलने पर बेबस हैं, चाहे फिर उस दहशत की शक्ल कोई भी हो, कहीं छेड़खानी तो कहीं बलात्कार, कहीं हत्या तो कहीं बस सलूकी। और इस बार अलीगढ़ की एक महिला दहेज का शिकार बनी है, जिसकी हत्या का इल्जाम लगा है एक लालची पति पर। अलीगढ़ का थाना जवां और इसका गांव पराकस्तली, यहाँ एक अजीब सी खामोशी पसरी है, घर गलियां हर सड़क खामोश पड़ी है,
हर चेहरे की रंगत फीकी पड़ी है। मौके वारदात पर पुलिस भी पहुंची है। तहकीकात का दौर चल रहा है, लेकिन खामोश मंजर के बीच ये बुजुर्ग महिला अपनी हल्की और लड़खड़ाती आवाज के साथ दर्द बयां कर रही है। वो दर्द जो जमीन पर पड़ी इस महिला की मौत पर है। माया, यही नाम है इस अभागन का, जिसकी जिंदगी जहन्नुम थी। शादी के 2 साल गुजर गए थे, मगर सुकून का एक पल भी नसीब नहीं हुआ था। माया रोज घुट घुट जी रही थी, क्योंकि पति अजय लालच की अंधी पट्टी बांध बीवी माया पर सितम ठाता था। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब प्रताड़ना की हद हो गई और पति अजय ने अपनी पत्नी माया की गला दबाकर हत्या कर दी। एक महिला है, ये पलाकस्तरी गांव में ब्याही थी। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी जो है घर के अंदर बरामदे में पड़ी है। तो पुलिस आई है, बॉडी बाहर पड़ी है, उसके घर के सभी लोग गायब हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि उसको कोई बाहर से उसी चोट नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन गले पे कोई निशान है। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराई जा रही है। इनके मायके वालों को सूचना दे दी गई है, वो लोग आ रहे हैं। जो भी तहरीर देंगे उसके हिसाब से मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाएगी। माया का शव घर के आंगन में पड़ा था। उसकी मौत की इत्तला पड़ोसियों ने पुलिस को दी। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया, लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। वहीं माया की मौत के बाद उसके परिवार का कहना है कि पति अजय दहेज के लिए उसका दुश्मन बना बैठा था। अजय की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही थी। दोनों के बीच अक्सर विवाद रहता था। वारदात से 2 दिन पहले ही अजय माया को उसके मायके से वापस लेकर आया था, और फिर लालच की भट्टी में झुलस रहे अजय ने पत्नी का काम तमाम कर दिया। ये चीजें परसों अपने मायके से शाम आई है, इनमें आपस में झगड़ा हुआ, वहाँ भी इस लड़के की पिटाई हुई। आके आपस में कोई ऐसी व्यवस्था ना बनी, बाबा इसने माँ बाप ने उनको शांत कर दिया। सुबह ही 8 बजे करीब इनमें आपस में दोनों में तूतूंगे में हुई। फिर लड़के ने अंदर जाके क्या किया ये नहीं पता। क्या हुआ उसमें? गला दबा के उसको मार दिया, गला दबा के। तो क्या कोई टेंशन थी? हाँ, आपस में शादी से ही टेंशन थी। दहेज लोभी पति की कातिलाना करतूत से सनसनी मची है। वहीं वारदात अंजाम देकर पूरा परिवार फरार है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच वाकई एक ना एक दिन खुशियां बर्बाद कर ही देता है। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। कहीं ट्रिपल मर्डर तो कहीं डबल मर्डर, क्या यही हकीकत है सूबे की सुधलती कानून व्यवस्था की? आखिर क्यों नहीं सिस्टम जागता, क्यों नहीं पुलिस चौकस होती, क्यों नहीं प्रशासन परवाह करता? आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि एक बार फिर दिन दहाड़े रामपुर में माँ बेटी के कत्ल से फैली है सनसनी। कहीं ट्रिपल मर्डर की वारदात तो कहीं डबल मर्डर से दहशत, एक नहीं दो कत मच गई सनसनी। तहल उठा रामपुर शहर, मां बेटी की बेरहमी से हत्या, बेखौफ बदमाश बन गए बेरहम। रामपुर की थाना कोतवाली का सिविल लाइंस इलाका, यहाँ मौजूद हर शख्स भौचक्का खड़ा है, बेहद खौफजदा है, डर हावी है। कभी ट्रिपल मर्डर तो कभी डबल मर्डर, एक वारदात का खुलासा पुलिस कर नहीं पाती तो दूसरी दस्तक देने के लिए बेताब रहती है। जी हाँ, हमारी इन बातों का कुछ मतलब है जो सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था बयां कर रही है। बेखौफ बदमाश बेरहम बन गए हैं, खाकी के खौफ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं।
क्योंकि एक बार फिर रामपुर शहर सुर्खियां बटोर रहा है। जिस घर के बाहर इलाके के लोग और पुलिस हलकान हालत में खड़ी है, वो गवाह बना है एक डबल मर्डर की वारदात का। चलिए घर के अंदर दाखिल हुआ जाए। मंजर बेहद खौफनाक है। बेड पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी है, पैर बंधे हैं, साथ ही फर्श पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी है। रिश्ता माँ बेटी का है। पुलिस की माने तो नीरा गुप्ता और उनकी बेटी नेहा गुप्ता की दिन दहाड़े बदमाश बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर फरार हो गए। एक महिला है ये, बुजुर्ग, और एक इनकी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होनी चाहिए। इन दोनों का मर्डर किसी समय किया गया है। वारदात की तरह पुलिस को दी गई डबल मर्डर की वारदात की खबर सुनते ही पुलिस की नींद उड़ गई। लाओ लश्कर के साथ एएसपी साहिबा ने मौके पर दस्तक दी। शहर की कानून व्यवस्था देख एएसपी साहिबा खुद भी हलकान रह गई। नीरा गुप्ता और उनकी बेटी नेहा गुप्ता की हत्या अंजाम देने वाला कातिल बड़ा ही बेरहम था। फर्श से लेकर घर के बिस्तर तक खून से सने थे। दरअसल नीरा गुप्ता और उनकी बेटी नेहा गुप्ता वारदात के वक्त घर पर अकेले थे। बेटा शहर से बाहर नौकरी करता है, पति पहले ही गुजर चुके हैं। बस बदमाश इसी बात का फायदा उठाकर अपने खौफनाक इरादे अंजाम देने में कामयाब हो गए। बेटा जो है कानपुर में, एक्चुअली इनके हस्बैंड की पहले डेथ हो चुकी है, तो उनके बेटा काशिप को उसकी नौकरी लगी हुई थी। तो बताया ये गया कि कल से कुछ लोग फोन कर रहे थे यहाँ पर, तो जब फोन नहीं उठा तब इन्होंने थाने को इत्तला दी। तो जब इंस्पेक्टर कोतवाल सिविल लाइन और इनकी टीम आई है तब इन्होंने दरवाजा खुला मिला इनको, फिर अंदर देखा तो ये सीन मिला है। अब ये मर्डर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोहरे हत्याकांड से जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। कब कौन किस अपराधी का निशाना बन जाए कोई अंदाजा नहीं। पुलिस सोई है। फिलहाल दोनों शव कब्जे में लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्द ही डबल मर्डर की वारदात का खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन एक सवाल जनता पर जल्लाद बनकर टूटते बदमाशों पर हमारी पुलिस कब लगाम कसेगी। मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खूनी रंजिश की खौफनाक दास्तान। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी एट वृंदावन। रन बरसाने वाली, वंडरफुल बल्लेबाजी, विकेट गिराने वाली, विकेट गेंदबाजी, ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी, बाउंड्री लाइन की कैच और हार्ट बीट बढ़ाने वाले मैच देखिए। जंपिंग जापान थंपिंग थबांग आईपीएल सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा क्या? उंगली और चूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली चूली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदर बांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट,
किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे, एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर।